अजमेर के अलवरगेट थाने इलाके में युवक पर हुआ जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। मेरे दोस्त के लिए मिलने के लिए जा रहा था, तो पीछे से बब्बल आके मुझे रोकता है कि रुक। फिर वो मेरे को बातों में उलझाने लगा। उलझाने के बाद थोड़ी देर बाद उसकी बहन आ गई ब्रजलता। ब्रजलता आने के बाद वो मेरे से यानी कि लड़ाई झगड़ने के हिसाब से बात करने लगे। मैंने कहा मैं तुम लोगों से बात नहीं करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सोनू और पवन ये सरिया और पाइप लेके गाड़ी पर आए और इन्होंने सिर्फ ना पूछा ना कुछ कहा और चालू हो गई सरिया और ये लेके। मुझे संभलने का मौका नहीं मिला और मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर करके फिर बोला तेरे को तो जान से मारना ही है। वजह क्या थी? हाँ, वजह क्या चल रही? वजह इसने मेरे को पहले 376 के केस के अंदर इन्वॉल्व कर रखा है। अब ये मेरे से डिमांड करती है 9 लाख रुपये कि 9 लाख रुपये दे दे तो केस मैं वापस ले लूँगी और तेरे को फ्री जीने दूँगी, और नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा करती जाऊँगी तो तू भी याद रखेगा। तो आप कल कहाँ अपने दोस्त के जा रहे? मैं मेरे दोस्त के मिलने जा रहा था 12:15 करीब। अच्छा, फिर ये सरिये वगैरह क्या थे? सरिये ये पीछे से गाड़ी लेकर आए ना, इनका प्लानिंग था भाई मुझे रोकना है, रोक के मुझे उलझाना है। उलझाने के बाद वो सोनू और पवन ही गाड़ी में पाइप और ये सरिये लेकर आए। पवन कौन था? पवन उसका बड़ा भाई है। अच्छा, ये सब थे क्या? हाँ, ये चारों थे, चारों वहीं आ गए थे नगरे पे। कौन से थाने में मुकदमा दर्ज किया है? मैंने अलवर गेट पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज।